हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कानन है। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल टेक्निकल फैम पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए काफ़ी कमाल न्यूज़ और काफ़ी कमाल अनबॉक्सिंग और काफ़ी कुछ न्यूज़ से टिप्स मैं लेके आता हूँ। तो आज भी काफ़ी न्यूज़ अच्छी लेके आता हूँ। बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं आज बात करूँ सबसे पहली न्यूज़ की, तो ये आईफोन वाली की तब से न्यूज़ है। फ्रेंड्स, आईफोन की हमें न्यूज़ पता चली है कि आईफोन की गुड न्यूज़ ये हमें पता चलती है कि आईफोन मतलब अगले साल 2020 की 2020 एंडिंग तक का आईफोन लीड करेगा 5G के सेगमेंट में। मतलब आईफोन काफ़ी मेहनत कर रहा अपने 5G के, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाले से जो चिपसेट आने वाला है तो उस पर आईफोन अपना काम करके 5G जो उसकी 5G फ़ोन होंगे उस पर वो लीड करेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर 2020 में पता चलेगा हमें वो लीड करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करो तो रेडमी K30 की कुछ हमें ऑफिशियल डिटेल पता चल चुकी है। फ्रेंड्स, ये जो हमको काफ़ी कुछ लीक्स और रूमर्स लग रहे थे कि ये मेरे ख्याल से 2019 में ही आ जाएगा, लेकिन एक ट्वीट से हमें वीवो के ट्वीट पर पता चल चुका है कि जो रेडमी K30 है तो वो हमें 2020 में मिलने वाला है। K30 और K30 Pro हमें 2020 में मिलेगा। तो ठीक ठाक से ही मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 5G फ़ोन होने वाला है। फ्रेंड, और अगर रेट की प्राइसिंग की बात करो तो ये 20,000 से 25,000 में कुछ रहने वाला है, चीपेस्ट प्राइस पे रहने वाला है 5G फ़ोन पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे सुन के बाद। और नेक्स्ट न्यूज़ की बात करो तो ये रेडमी शॉमी वाले के तब से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। शॉमी के पोको F2 की अगेंस्ट कुछ हमें डिटेल और लुक पता चल चुकी है। जहाँ तक हमें लग रहा है ये सेम टू सेम रेडमी K30 Pro से मिलता जुलता होने वाला है। अगर उसमें अगर थोड़ा अपडेट कर दे फ्रेंड्स तो अच्छा हो जाएगा फ़ोन। अगर इसमें स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट या 855+ चिपसेट दे देगा तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है बिल्कुल सिमिलर होने वाला है K30 से, तो फिर अगर ऐसा है पोको F2 आने वाला है तो कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाला है। और यही थी मुझे सेम लग रहा है फ़ोन। अब देखते हैं जब ये पूरा पोको F2 आएगा तो पता चलेगा फ़ोन कैसा है। लेकिन जहाँ तक का शोर हूँ मैं तो K30 Pro तक का, अगर उसमें स्नैपड्रैगन 855 दे देंगे तो बाकी अच्छी बात है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करो तो फ्रेंड ये चाइना मोबाइल के तरफ से, तो चाइना मोबाइल में काफ़ी धमाम मचाने वाला है चाइना अपने मार्केट में। चाइना अभी काम कर रहा है काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में 5G फ़ोन लाने के लिए, जो कम से कम 100 से 150 फ़ोन लेके आने। और सबसे शॉकिंग की बात यह है कि फ्रेंड ये 10 से 15 हज़ार के बीच में फ़ोन रहेगा, और 15 से 20 हज़ार के फ़ोन रहेंगे जो 5G चिपसेट होंगे और जो काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में होंगे। तो हमारे वहाँ तो 5G भी नहीं आया और उधर चाइना चीपेस्ट 5G पे चालू भी हो चुका है, वो काम भी कर चुका है। तो 2020 में 100 से 150 फ़ोन ऐसे आ भी जाएंगे चीपेस्ट चाइना के 5G फ़ोन। नेक्स्ट न्यूज़ बात करूँ तो फ्रेंड नेक्स्ट न्यूज़ रियलमी के तरफ से, रियलमी 5S की जो मैं आप लोग को डिटेल बताया था फ्रेंड, तो उसकी कुछ डिस्प्ले साइज़ भी हमें पता चल चुकी है। 6.51 इंचेस का होना है, HD+ की डिस्प्ले मिलने वाली है फ्रेंड्स, और 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है। बैटरी बिल्कुल सेम होने वाली है फ्रेंड्स। और आपको जैसे बता दूँ उसमें अगर मैं बात करूँ कैमरा की, तो 48MP का क्वाड कैमरा होने वाला है। तो ठीक ठाक से बोलूँगा। और फ्रेंड्स आखिरकार इसकी लीक पता चल चुकी है, इसमें स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर होने वाला है। तो अगर प्रोसेसर अपडेट कर देते तो और अच्छा है, लेकिन अभी प्राइसिंग नहीं पता चली फ्रेंड्स। ये जो प्राइस पे आएगा तब पता चलेगा इसमें और क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो यही था कुछ। और नेक्स्ट न्यूज़ की बात करो तो ये लिनोवो वाले के तब से, तो लिनोवो अपना Z6 Pro 5G फ़ोन जो लाने वाला है तो उस पर काम कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो फ़ोन जल्दी लेके आने वाला है। उसके वेरियंट भी पता चल चुके हैं काफ़ी अच्छा डार्क ब्लू फिनिश में आने वाला है। और इसका भी एक ही वेरियंट फ्रेंड मुझे जहाँ तक का लग रहा है, इसका सिर्फ अभी हमें एक वेरिएंट हो या दो वेरिएंट हो, पर फ्रेंड्स लिनोवो वाले इतने अच्छे फ़ोन इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च कर रहे, चाइना में लॉन्च कर रहे हैं। तो काफ़ी किलर है फ़ोन ये, अगर आपको मैं बताऊं ये फ़ोन में अगर मैं बात करूँ लिनोवो Z6 Pro 5G फ़ोन, इसमें हमें स्नैपड्रैगन 855+ चिपसेट दिखने वाला है। और इसमें अगर बात करूँ डिस्प्ले साइज़ की तो 6.39 इंचेस का होने वाला है, तो वो भी फुल HD डिस्प्ले के साथ होने वाला है। और सुपर एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी अच्छा फ़ोन निकाल रहा है ये भी, तो काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के। मैं अगर बात करूँ कैमरे की तो इसमें हमें क्वाड कैमरा सेटअप दिखने को मिल रहा है, और मेन कैमरा जो होने वाला है 48MP का होने वाला है, और 8MP का टेलीपोर्ट कैमरा होने वाला है, 16MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होने वाला है, और 2MP का माइक्रो कैमरा होने वाला है। बैटरी की बात करूँ तो पेन बैटरी इसमें 4000mAh की बैटरी है, और सेल्फी में भी काफ़ी कमाल है, 32MP की इसमें सेल्फी मिल रही है। तो काफ़ी क्लियर फ़ोन लेके आने वाला है। ये इंडिया में फ़ोन क्यों नहीं लॉन्च कर रहा है वीवो वाला, पता नहीं लिनोवो वाला क्यों नहीं लॉन्च कर रहा पता नहीं, ये फ़ोन भी उसको लॉन्च करना चाहिए था तो काफ़ी उसकी सेलिंग होती इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करो तो फ्रेंड ये सैमसंग गैलेक्सी A51 के बारे में, A50 तो आप लोग यूज़ कर चुके हैं, A51 की कुछ लीक्स और रूमर्स मेरे हाथ में आ चुके हैं
ये 6.5 इंचेस के साथ होने वाले डिस्प्ले साइज़ में और फुल एचडी की डिस्प्ले मिलती है। और इसमें हमें सबसे कमाल की बात, इसमें हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले होने वाली है फ्रेंड्स। और अगर बात करूँ कैमरा की, तो इसमें क्वाड कैमरा सेटअप दिखने वाला है। 48 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा होने वाला है, 12 मेगापिक्सल का इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होने वाला है, 12 मेगापिक्सल का इसमें टेलीपोर्ट कैमरा होने वाला है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होने वाला है, तो काफ़ी कमाल होने वाला है कैमरे के मामले में। सेल्फी की भी बात करो तो सेल्फी काफ़ी कमाल है, 32 मेगापिक्सल के अंदर सेल्फी देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। और 4000 एमएएच की बैटरी दिख रही है। और चिपसेट की बात करो तो सैमसंग का खुद का इसमें चिपसेट लगा, एक्सिनो का 9611 लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी बात यह कि ये ओएस जो हमें मिलने वाला है एंड्रॉयड 10 पर मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छी लगी न्यूज़। और काफ़ी फ्रेंड्स ये न्यूज़ तब सुन के मैं खुद काफ़ी शॉक था फ्रेंड्स, और कल की वीडियो में इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, मेरे घर में थोड़ा फंक्शन था, इसलिए नहीं डाल पाया। उसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। अब आपको यहाँ से भी कंटिन्यू रोज़ आपको न्यूज़ मिलेगी क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी मैं न्यूज़ लाने वाला हूँ। तो यही थी न्यूज़ फ्रेंड्स, अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। फ्रेंड्स ये संडे को मैं तो आप लोग के लिए गिव अवे नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट संडे कन्फर्म है मैं आप लोग के लिए गिव अवे ज़रूर करूँगा और काफ़ी अच्छा गिव अवे करूँगा। तो यही थी आज की न्यूज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं खूब और काफ़ी यूनिक गिव अवे भी लेके आना और काफ़ी कुछ आप लोग के लिए लेके आना लो। और फ्रेंड्स हो सके तो मेरी जो फैमिली है उसको बढ़ाइए, शेयर कीजिए। तो जब को आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक का डाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थम्स अप और ध्यान रखना।